हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमिया और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अगले टॉपिक के बारे में, और जिसमें हम बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्पेशली हम बात करने वाले हैं एक्शन रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की, इसमें से आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो और हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने रिसर्च में एपी स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल के बारे में बताया है। आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, और हम देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आज तक इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहा है कि द रिसर्च दैट एम एट इमीडिएट अप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि जो तात्कालिक रूप से उपयोग में लाई जाती है वो किस तरह की अनुसंधान होती है, एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, ये देखिए तात्कालिक अनुप्रयोग के लिए जो शोध में काम आते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक शोध कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रियात्मक शोध को ही एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब हम और देखते हैं कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन बने हैं जिससे आप आसानी से समझ सको। अब ये देखिए दोस्तों जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 55, इसके अंदर ये कहा है, इन्होंने वही बात कही है कि द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट अप्लीकेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इमीडिएट अप्लीकेशन के लिए कौन सी रिसर्च यूज होती है, एक्शन रिसर्च यूज होती है। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में क्या है कि तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है क्रियात्मक शोध। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है हमारे लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च से और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमारे लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर है अगस्त 2016 का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि क्रिया अनुसंधान, ठीक है, क्रिया अनुसंधान क्या होता है, क्या होता है, प्रदत्त स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप, यानी कि हमारी करंट की जो सिचुएशन है उसमें सुधार लाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो जो हमारी अब जो स्थिति चल रही है उसमें कोई हमें सुधार लाना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी रिसर्च यूज होगी, एक्शन रिसर्च होगी। तो इसमें से सेम डिट्टो कॉपी कहाँ पे क्वेश्चन आया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से यकीन आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान होगा। ठीक है, अब तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन है, अगस्त 2016 में भी आया था और नवंबर 2017 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन दोस्तों हमारा जुलाई 2018 में भी आया है, अभी जो अपना एग्ज़ाम हुआ है उसमें। ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सी नंबर जो ऑप्शन दिया है इन्होंने, ये क्रियात्मक शोध दिया है। ठीक है, इसका मिलान क्या होगा, इसके सामने थर्ड पे हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रदत्त स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, यानी कि जो करंट सिचुएशन है उसमें हमें सुधार लेके आना है, तो उसके लिए कौन सी शोध यूज होगी हमारे लिए, क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च यूज होगी। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपने पहले भी हमने देखा है कि ये अगस्त 2016 में आया था और फिर नवंबर 17 में आया था और फिर ये जुलाई 2018 में रिपीट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं कि एक्शन रिसर्च से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जनवरी 2017 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है, क्रियात्मक अनुसंधान के जो स्टेप होते हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके स्टेप क्या होंगे, योजना निर्माण,
क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। ठीक है, अब हम इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो स्टेप हैं वो क्या है, प्लान, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन बाद में कहाँ पे रिपीट हुआ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो अभी जुलाई 2018 का अपना क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके अंदर आया है। ठीक है, ये देखिए हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन। विच ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। ठीक है, यानी कि इन्होंने फिर से क्या पूछ लिया, एक्शन रिसर्च के जो स्टेप है वो इन्होंने पूछ लिए, ये देखिए। ठीक है, और यह है क्वेश्चन अपना पहले भी रिपीट हुआ है, मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, ये देखिए हम इसे हिंदी में देखते हैं। देखिए क्रियात्मक शोध रणनीति यानी कि उसके स्टेप हमें बताने हैं, तो ये इसके पूरे के पूरे स्टेप दिए हैं और ये पहले रिपीट हुआ था हमारा जनवरी 2017 के अंदर रिपीट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च से रिपीट हो रहे हैं, बार 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 हम इससे रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमने 2012 से लेकर जुलाई 2018 तक सेपरेट टॉपिक वाइज पेपर फर्स्ट की पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से आज तक जितने क्वेश्चन आए वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग कर रखे हैं, जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हमारी इस पीडीएफ से दोस्तों जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी आए थे, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगी। ठीक है, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अगर कोई ये पीडीएफ लेना चाहे तो वो ये पीडीएफ ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक्शन रिसर्च के अलावा हमारे लिए और कौन से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बात आती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की। ठीक है, तो काफ़ी दोस्तों को पता होगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है। दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च उसे कहते हैं कि कोई घटना घट गई, ठीक है, उस घटना घटने के बाद उसके क्या प्रभाव पड़े उसका आंकलन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कि उसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने कहा है कि यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो कौन सी पद्धति का उपयोग होगा। ठीक है, तो इसमें होगा दोस्तों कार्योत्तर पद्धति, यानी कि ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हमें कोई घटना घट गई उसके प्रभावों का पता लगाना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या फिर कार्योत्तर रिसर्च कहते हैं। ठीक है, और इस पे और किस तरह के क्वेश्चन आए वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने फिर पूछ लिया, एक शोधार्थी बच्चों की चिंता अनुमुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है तो कौन सी विधि का उपयोग होगा। ठीक है, तो ये फिर आ गया इसका आंसर, कार्योत्तर पद्धति यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि जहाँ पे हमें प्रभाव का पता लगाना हो, ठीक है, कोई घटना घट गई तो उससे क्या क्या प्रभाव हुए, ठीक है, तो उसके बारे में जो रिसर्च की जाती है उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, और वैसे तो हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च दोनों कुछ कुछ सेम है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट भी है, डिफरेंस भी है। ठीक है, तो वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए
इसके अंदर क्या होता है, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि कोई घटना घट गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो घटना जो होती है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो घटना होती है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, और उसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसे हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि किसी जगह पर सुनामी आ गई, ठीक है, सुनामी आ गई किसी जगह पे, और वो सुनामी आने के बाद में उसके ऊपर 4 या 10 दिन में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे वो हमें पता करने हैं, ठीक है। अब देखिए ये सुनामी है, ये सुनामी, ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, सुनामी को हम रोक नहीं सकते। लेकिन सुनामी की वजह से जो, जैसे कि मान के चलो जो बीमारियाँ होने वाली है, जो बुखार होने वाला है, ठीक है, जो मलेरिया वगैरह होने वाला है, इन दोनों को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम पता करते, तो ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको और दिखाता हूँ कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अब ये देखिए दोस्तों, अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन आया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इसके अंदर ये है बी दिया है इन्होंने, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या कहा है कि ऑब्जर्विंग द इफ़ेक्ट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई घटना घट गई तो उसके अंदर स्वतंत्र चर जो है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जो रिसर्च करते हैं या जो मेथड यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड या एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के ये पूछ लेते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई बात समझ में नहीं आई या फिर मैंने कुछ गलत कहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।